के ब्लूमिंग को मैंने स्टार्ट किया था 2020 15 नवंबर को। मेरा बेटा का नाम केंडो है, उसी के नाम से हमने स्टार्ट किया था के ब्लूमिंग। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, वो 7 ईयर्स का है, एंड हमने ऑटिज़म उसका थेरेपी गुवाहाटी से करवाया था। एंड देन ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक थेरेपी सेंटर सारे क्लोज हो गए थे गुवाहाटी में, तो हम वापस आए। एंड देन मेरे साथ कुछ पेरेंट्स थे जिसको भी यही सेम इशू था, एक मैसूर में थेरेपी करा रही थी एंड वन वाज इन बैंगलोर, एंड एक मेरा दोस्त था जो यही नाहरलगुन में कहीं नहीं करा रही थी। सो देर वॉज नो स्कोप फॉर फादर, सब पूरा बंद था। तो हम पेरेंट्स ने मिल के ये सोचा कि लेट्स ओपन अ थेरेपी सेंटर। एंड हम लोग लकी इनफ थे कि हमारे ही स्टेट की एक लड़की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी, एंड शी जॉइंड अस, उसने ज्वाइन किया, एंड हमने हमारे ही बच्चों को स्पेशल एजुकेटर्स को लिया एंड देन के ब्लूमिंग को स्टार्ट किया। ऑटिज़म अगर आपके बच्चे में है तो बच्चा जो है आपसे इंटरेक्शन नहीं करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप उसका नाम बुलाओगे तो भी वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा या फिर डिलेड रेस्पॉन्ड। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है तो बच्चे में ये ऑटिज़म के लक्षण हैं। ऑटिज़म जो बीमार नहीं है, ऑटिज़म जो है जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से बच्चे में ऑटिज़म होता है। तो ऑटिज़म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड होता है, जो एक बच्चा जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो ऑटिस्टिक एडल्ट ही बनेगा, उसका कोई क्योर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई बिहेवियर होगा, कोई आपका जो नेचुरल इनबोर्न इंस्टिंक्ट होगा, उसको आपको जितना दबाई दो, जितना भी कुछ करो, वो चेंज नहीं होगा। तो सेम थिंग अप्लाइज टू द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, वो जो है ऑटिज़म है, जो जिसको ऑटिज़म है वो बड़ा होकर भी ऑटिस्टिक ही रहेगा। बट लेकिन क्या होता है कि ये है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, दैट मीन्स कि बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे भी प्रोग्रेस कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन माने अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ इशू है तो आप असेसमेंट करवा लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, उसके बाद आप किसी भी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जाके थेरेपी करना शुरू कर दीजिए। तो क्या होता है कि एज अगर आपका एक बच्चा 2 साल का है तो जल्दी ही वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। जितना आप लेट करोगे, जितना आपका बच्चा का एज बढ़ता जाएगा, उतना ही थेरेपी लॉन्ग प्रोसेस होता जाएगा। सोसाइटी के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, देन आपके बच्चे में प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर आपको अपना बच्चा में प्रोग्रेस दिखना है, आपको आप चाह रहे हैं कि आपके जाने के बाद, आपके गुजर जाने के बाद आपके बच्चा आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो, कोई जॉब करे या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो आप अपने बच्चे के लिए थेरेपी शुरू कर लेना चाहिए अगर ऑटिज़म है तो।